प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। पिछले पार्ट में हमने जानदारों की जमातबंदी इस सबक को तफसील से देखा। इसके बाद अब हम खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी पढ़ेंगे। खुर्दबीनी जानदार को दो ग्रोह में तकसीम किया गया है, गैर वाज़े मरकज़ा बरदार और वाज़े मरकज़ा बरदार। गैर वाज़े मरकज़ा बरदार का अगला ग्रोह बैक्टीरिया या जरासीम। इसी तरह वाज़े मरकज़ा बरदार को मजीद तीन ग्रोह में तकसीम किया जाता है। पहला है इब्तदाई जानदार, दूसरा फफूंद और तीसरा काई। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम खुर्दबीनी जानदार को तफसील से मुताला करते हैं। इसका गैर वाज़े मरकज़ा बरदार पहला ग्रोह, खुर्दबीनी जानदार का पहला ग्रोह बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खसूसियात। बैक्टीरिया की जसामत तकरीबन 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होती है। ये यकलवी जानदार आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं। कभी कभी बेशुमार बैक्टीरिया इकट्ठा होकर कॉलोनीज बनाते हैं। बैक्टीरिया गैर वाज़े मरकज़ा बरदार खलियात होते हैं। खलिये में मरकज़ा और झिल्लीदार हैवान से नहीं होती, खलियवी दीवार होती है। तौलीदी अमल अक्सर तकसीम दोई के तरीके से एक खलिये के दो हिस्से होकर अंजाम पाता है। साजगार हालात में बैक्टीरिया तेज़ रफ्तार से बढ़ते हैं और 20 मिनट में अपनी तादाद को दुगना हो सकते हैं। बाजू की शक्ल में आप चंद जरासीम की मिसालें देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम खुर्दबीनी जानदार का दूसरा ग्रोह वाज़े मरकज़ा बरदार और वाज़े मरकज़ा बरदार का पहला ग्रोह के बारे में मालूम हासिल करेंगे। इब्तदाई हैवान प्रोटोजोआ की खसूसियात। इब्तदाई हैवान प्रोटोजोआ की जसामत तकरीबन 200 माइक्रोमीटर होती है। मिट्टी, मीठे पानी और समंदरी पानी में पाए जाते हैं। कुछ दीगर जानदारों के जिस्म में रहते हैं और अमराज का सबब बनते हैं। वाज़े मरकज़ा बरदार खलिये वाले यह खलवी जानदार है। प्रोटोजोआ इब्तदाई हैवान की खलीवी साख नकलो हरकत के अज़ा और तुगजिए के तरीके में तनु फर्क पाया जाता है। तौलीद तकसीम दोई के तरीके से होती है। इनकी चंद मिसालें, अमीबा पैरामिशियम गंदे पानी में आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी तरह एंटा अमीबा हिस्टोलेटिका पेचिस का सबब बनते हैं और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया का सबब बनते हैं। इसी तरह यूगलिना खुद कफिल होता है। खुर्दबीनी जानदार का दूसरा ग्रोह वाज़े मरकज़ा बरदार और उसका दूसरा ग्रोह फफूंद। फफूंद की खसूसियात। फफूंद की जसामत तकरीबन 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। सड़े गले मादों पर फफूंद सड़े गले मादों, नबातात और हैवानात के मुर्दा साम कार्बनी मादों पर पाए जाते हैं। वाज़े मरकज़ा बरदार या खलवी खुर्दबीनी जानदार फफूंद की कुछ किस्में सादा आग से नजर आती है। कुछ फफूंद गंदखोर होते हैं और कार्बनी मादों से अपनी गिजा हासिल करते हैं। इनमें तौलीद जिनसी तरीके से और तकसीम दोई कलियाओं जैसे गैर जिनसी तरीके से होती है। मसलन खमीर, कैंडिडा, समारोह, मशरूम वगैरह इसकी चंद मिसालें हैं। आइए अब हम खुर्दबीनी जानदार का दूसरा ग्रोह वाज़े मरकज़ा बरदार और वाज़े मरकज़ा बरदार का तीसरा ग्रोह काई एल्गी के बारे में मालूम हासिल करेंगे। काई की खसूसियात। काई की जसामत तकरीबन 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। पानी में इनकी नशोनुमा होती है। वाज़े मरकज़ा बरदार या खलवी खुद कफील जानदार है। खलिये में मौजूद सब्ज मायने की मदद से शुआ तरकीब का फेल अंजाम देते हैं, मसलन क्लोरेला, क्लामेडोमोनास। काई की कुछ किस्में या खलवी होती है और दिगर कशीर खलवी और आँखों से नज़र आती है। प्यारे बच्चों, अब हम वायरस की खसूसियात का मुताला करेंगे। वायरस की जसामत तकरीबन 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होती है। वायरस को उमूमन जानदार तस्लीम नहीं किया जाता या इन्हें जानदार या बेजान के दरमियान खते हाशिया फासिल माना जाता है। इनका मुताला
खुर्द हयातियात माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। वायरस बहुत ही महीन यानी बैक्टीरिया की बनिस्बत 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन के जरिए देखा जा सकता है। आजाद जर्रात की शक्ल में पाए जाते हैं। वायरस डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना हुआ एक तवील सालमा है जिस पर प्रोटीन का गिलाफ होता है। ये नबातात और हैवानात के जिंदा खलियों में ही रह सकते हैं। इन खलियात का इस्तेमाल करके खुद के लिए प्रोटीन तैयार करते हैं और खुद जैसे लातादाद वायरस तैयार करते हैं। इसके बाद मेज़बान खलिये को ख़त्म करके ये वायरस आज़ाद होते हैं और आज़ाद वायरस दोबारा नए खलिये में दाखिल हो जाते हैं। वायरस की वजह से नबातात और हैवानात को मुख्तलिफ अमराज लाग होते हैं।